Hello everyone, this is Kamal Deep Kama. You are watching Desi Junction on Hello Australia TV. Hello, it's Intaj Khan. You're watching Desi Junction on Hello Australia TV. Hello Australia, this is Yogita Bhardwaj. You're watching Desi Junction on Hello Australia TV. Hello and welcome to our show Desi Junction. दोस्तों, शो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उस हादसे की जिसने सभी के दिलों को झंझोड़ के रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनमीत अलीशर के बारे में। जो भी ये घटना हुई है वो बहुत ही दुखद घटना थी। और आइए, शो शुरू करने से पहले हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, इस तरह का हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो आप भी हो सकते हैं। और मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ इस तरह का कुछ भी हादसा या किसी को इस तरह का परेशान किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पे इस तरह के लोगों की जो है हेल्प करती हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो यहाँ पे सिटीज़न हों, उनकी हेल्प के लिए वो आगे आती हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ इस तरह का कुछ हो रहा है तो सिर्फ घर पे बैठ के रोने के साथ कुछ नहीं होगा। और मैं देख रहा था कि फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया पे जो भी कुछ हम स्टेटस देख रहे हैं मनमीत अलीशर जी के बारे में, तो वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे वो इमोटिकॉन्स बना रहे हैं सैड वाले और रोने वाले। मैं चाहता हूँ कि इसको अगर आपने सपोर्ट करना है तो उसको शेयर करिए और सपोर्ट करिए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हेलो ऑस्ट्रेलिया टीवी एंड दिस इज देसी जंक्शन, द फर्स्ट इंडियन स्ट्रीट शो इन मेलबर्न। और मैं हूं आपका होस्ट कीरित विजेता और मेरे साथ हैं डायरेक्टर जीवन रसेली। और इस प्रोग्राम पे हम टारगेट करेंगे अपनी इंडियन कम्युनिटी को। हम पूछेंगे उनसे कुछ सवाल जो कि कॉमन सेंस के हो सकते हैं, फनी हो सकते हैं, और उनको देना होगा उनका आंसर। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अभी किंग स्ट्रीट पे। तो हमारे साथ हैं एक अपने इंडिया के ही भाई हैं, क्या नाम है सर आपका? सिद्धांत शर्मा। अच्छा, तो अभी हम आपसे एक कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आपको क्या लगता है, आप में कॉमन सेंस है? थिंक सो, यस। थिंक सो मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे? नहीं नहीं है। ओके, तो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक लड़की एक फुटबॉल को हिट करती है और वो फुटबॉल जो है वो 10 फीट तक जाके बिना किसी चीज़ से टच किए हुए वो वापस आ जाती है। हर बार जब वो किक कर रही है वो वापस आ रही है बिना किसी चीज़ से टच किए हुए, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो कैसे? वैसे पॉसिबल नहीं है, बट अगर लड़की मार रही है तो कुछ ना कुछ इसमें कैच होगा ज़रूर। कल्पेश पटेल। अच्छा, तो मतलब कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई है यहाँ पे या फिर ऐसे? नहीं, अभी तो सिंगल है। अभी सिंगल है, तलाश जा रही है आगे जाके। ओके ओके, अच्छा आप बताइए हमें कि अगर एक जो लड़की है वो हिट कर रही है फुटबॉल को, वो फुटबॉल जो है वो 10 फीट तक जाके फिर वापस आ रही है, किसी चीज़ से टच करके वापस नहीं आ रही, तो ये कैसी पॉसिबल है? पर ये पॉसिबल है, ये मैं बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हो तो पॉसिबल होगा। हाँ जी, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे पॉसिबल है। लड़की हवा में मार रही होंगी, ऊपर मार रही होंगी। बिल्कुल सही आंसर, वो ग्रेविटी के साथ वो बॉल जो है बिना किसी चीज़ से टच किए हुए वो वापस आ रही है। हाँ जी, तो अभी हमारे साथ हैं एक गबरू नौजवान। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सर सेम नागपुर महाराष्ट्र से। ओके, अभी आप अभी आप पंजाबी में कुछ बात कर रहे थे तो? हाँ जी, मैं उदा पंजाब तो हाँ पिछु पटियाले तो, बट उदा पेरेंट्स मूव हो गए थे तो असं बॉर्न अबाउट नागपुर से हाँ। अच्छा, मतलब पिछों ये पटियाले तो ने अगे नागपुर। ठीक है जी। भाजी, तो मैनू ये दसो कि वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी? भाजी उदा तो पिछों सू नागपुर लगता हों जो इंडिया से, हूँ सू मेलबर्न लगता पाया वधिया सिटी आ। ठीक है जी। अच्छा, ये बिल्कुल तुम सही जवाब दिता, वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी जी है वो मेलबर्न है। तो तुम मैं ये दसो कि वर्ल्ड की मोस्ट शॉकिंग सिटी कौन सी है? भाई शॉकिंग सिटी हूँ जोड़ा हादसा ब्रिस्बेन च सिटी च होया करके सू लगता कि क्वींसलैंड स्टेट जोड़ा वो थोड़ा जहा है जोड़ा साडा बंदा मतलब साढ़े तो खो के लै गया भाजी, इस करके मे भी नहीं है। बहुत तुम सीरीयस गल कर रहे हो, बहुत उस घटना का सू भी बहुत ज़्यादा दुख है। पर मेरा क्वेश्चन एक बार तुम दोबारा सुनो कि वर्ल्ड की मोस्ट शॉकिंग सिटी केड़ी है? इलेक्ट्रिसिटी। नाइस आंसर। एक
रेड जैकेट में एक धुरंधर हमारे पास आ रहे हैं, तो हम चलते हैं उनके पास, तो इनसे कुछ बात करेंगे। सर एक मिनट, अगर गर्लफ्रेंड का फ़ोन नहीं है तो फिर ठीक है, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी। पृथ्वी जी, पृथ्वी जी कहाँ से आप? हैदराबाद से। अभी तो मेलबर्न से है ना? अभी तो मेलबर्न से। ठीक है, बिल्कुल। एक लड़का है, उसके घर में रिलेटिव्स आए हैं, वॉल पे एक फ़ोटो लगी हुई है, तो वो फ़ोटो को देख के कह रहा है कि ये मेरे फादर का बेटा है पर मेरा भाई नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या समझा नहीं मैं। एक लड़का है, उसके घर पे उसके रिलेटिव्स आए हैं, उसके घर पे दीवार पे एक फ़ोटो लटकी हुई है, वो कह रहा है कि ये मेरे बाप का बेटा है पर मेरा भाई नहीं है, ये तो ये कैसे पॉसिबल है? बाप लड़का बोल रहा है शायद दूसरी बीवी का होगा, दूसरी बीवी का होगा, लेकिन वो कह रहा है कि ये मेरे बाप का बेटा है लेकिन मेरा भाई नहीं है। बीवी की तो बात ही नहीं आ रही भाई, बीच में घूम फिर के ध्यान बीवी की तरफ जा रहा है। अब पता नहीं, फिर भी सोचिए बड़ा आसान सा किसकी फोटो हो सकती है। आप मोबाइल से आंसर ढूंढ रहे हैं? मोबाइल के आंसर है ना। खुद की हो सकती है, सही आंसर, खुद की फोटो है उनकी। तो मौसम बहुत अच्छा हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं, और हम खड़े हैं यारा रिवर के किनारे पे, जहाँ पे जो क्रूज़ हैं वो चल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं भाई जी? वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़े भी दिल दिल जाए, सबकी पसंद निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। क्या कौन सी कौन सा स्पॉन्सर? तो भाई पहले बोलना चाहिए था ना, ये मेरे से आपने हिंदी वाली ऐड करवा दी। ओके, तो दिस प्रोग्राम इज पावर्ड बाय ग्रेस इंटरनेशनल। Morning Buddha Travel, how may I help you? So whenever you go, wherever you go, we are here to assist for all your travel needs. We guarantee the best airfares worldwide. We also provide complete holiday packages. It would be our privilege to serve you on board. Contact us for more details. तो यहाँ पे कुछ और ही तरह का माहौल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सेहत बनाने वाला माहौल जो है वो यहाँ पे बन चुका है, और हम अभी हैं एक फिटनेस क्लब में। कहते हैं कि पंजाबी जहाँ भी जाते हैं वो अपना नाम बखूबी बनाना जानते हैं, और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे ही गबरू नौजवान के पास जिनका नाम है कमलदीप कामा, जो WWF में ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड वाइड दो बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और अब आए हैं उनका एक क्लिप लेने के लिए हम उनके ही फिटनेस क्लब में। तो आइए हम मिलते हैं मिस्टर कामा से। मुझे लग रहा है कि पाजी जरा एक्सरसाइज बिजी ने, पाजी एक मिनट जरा एक्सरसाइज जो तुम जो छाड़ दियो तो मैं तेरे नाल गल कर लूँगा। जरूर जी, जरूर पाजी। हाँ जी भाई, सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। मुझे तुसी मैनू यह दसो कि तुसी आयरलैंड गए सीगे ऑस्ट्रेलिया नू रिप्रेजेंट करन, जिहड़ी कि बहुत ही अच्छी गल है, ते तुसी सारे जिहड़े इंडियंस है उन्हां दा सिर उच्चा कीता, ते तुहानू बहुत बहुत वधाई है भाजी, ते नाल मैनू भी है। ठीक है जी, ते मैनू यह दसो कि तुसी तुहानू किद्दां उत्थे महसूस होया, की एक्सपीरियंस सी? देखो जी भाजी, पहला तो जदों किसी भी एक कंट्री के जिते तुसी एज ए अजनबी तौर पर आने हैं पहला है ना, अज तो 7-8 साल पहला, तो उन्होंने रीप्रजेंट करन दा मौका मिलता, इस फील सो बैटर, सो अपने आप से एक प्राउड फील हुंदा, ते वधिया लग्या, वधिया एक्सपीरियंस सीगा, वधिया जिहड़ा प्लेटफॉर्म सीगा टफ, तो बड़ा हार्ड लाइनअप सीगा, तो थोड़ा बहुत घूमने का भी मौका मिल गया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, घूमना बहुत जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल जी, सो मैं ही सीखा जाके, क्योंकि लंबा ट्रिप सीगा 2 हफ्तों का, कि जिहड़े भी आपां कम करते हैं वो थोड़ा इंजॉयमेंट भी जरूरी है, उन्हें की है थोड़ा एक बार तुम 2 हफ्ते कितने वधिया तरीके ला आने तो सारा साल
ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਜਿਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ 30% ਅਤੇ ਡਾਇਟ ਤੁਹਾਡੀ 70% 70% ਡਾਇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ 30% ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਮ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਟ ਡਾਇਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਜਿਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ 6-ਪੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ ਸਿਰਫ 1 ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮਿਟ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕੈਚ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਦੱਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਅ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਛਾ ਆਪਸੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਗਰ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਹੈ ਤੋ ਰਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਤੋ ਰਾਮ ਹੈ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਹੈ ਤੋ ਰਾਮ ਹੈ ਕਿਆ ਤੋ ਫਿਰ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਹੈ ਸੀਤਾ ਤੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਮ ਹੈ ਕਿਆ ਤੋ ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਹੈ ਹਾਈ ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਗੁੱਡ ਨੇਮ My good name? Yeah. Or you want my bad name? No, I want your good name. It's Fiona. Fiona. So mm-hmm. Fiona, I want to ask you, do you watch Bollywood movies? I have watched Bollywood movies in the past, yes. Not as much today because I'm very busy working. Yeah. But I used to go and see them quite a lot. Okay. There's a cinema in the city that actually used to show them. So can you please tell me 3 Bollywood movies names? Names? Yeah. Oh, now you've got me. No. I can't tell you the names. Okay, okay. Any 3 Bollywood heroes? Yeah. No. Any one? So do you know any Bollywood movie name? Yeah, Devdas. Devdas. Okay. So ye mujhe aap kahan se aap India se? ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਭਮ ਜੀ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ੁਭਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਹੈ ਕੌਣ ਜੇ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ क्या नाम है आपका शैली 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 आप कहाँ से हैं इंडिया मध्य प्रदेश वेरी गुड शैली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ पूछिए अगर राम सीता है तो राम क्या है That's a weird question. नहीं फिर भी आप एक बार सोचिए राम सीता है जी. तो राम क्या है जी तो अभी हम आए हैं योगिता भारद्वाज के पास जो कि एक एंटरटेनमेंट कंपनी जो है उनकी डायरेक्टर हैं और 2 यहाँ पे न्यूज़पेपर छपते हैं जो कि इंडियन न्यूज़पेपर हैं जो उनकी पब्लिशर भी हैं और अगर मैं इनके गिनाऊं तो शायद मुझे याद नहीं है कि कितने सारे इनके डेजिग्नेशन हैं मैं भूल जाता हूँ तो कुल मिला के आ जा के बात इतनी है कि लड़की ब्यूटीफुल और कर गई चुल अभी वो स्माइल पे स्माइल कर रही हैं देख रहे हैं आप किस तरह से अंधाधुंध गोलियाँ चल रही हैं और ये दीवार से सटा हुआ जो इलाका है वहाँ पे योगिता भारद्वाज जी खड़ी हैं और वहाँ पे स्माइल से गोली पे गोली चल रही है तो कैसा महसूस कर रही हैं आप बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ किरित ओके तो आप भारतवर्ष से यहाँ पे आई हैं आप तो आपको कैसा लग रहा है और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए हुए मुझे आए हुए यहाँ पे 16 ईयर्स हो गए हैं इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम और बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी बात है तो आप मैंने सुना है कि आप एक एंटरटेनमेंट कंपनी की डायरेक्टर हैं तो आप किस तरह से लोगों को एंटरटेन करते हैं हम लोगों को फिल्म्स बना के एंटरटेन करते हैं एंड आई एम नॉट इनटू इवेंट्स ओनली फिल्म प्रोडक्शन और वी ट्राई टू गेट अ वेरी गुड स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग होनी चाहिए एक्टर्स अच्छे होने चाहिए मूवी के हर सीन में लिंक होना चाहिए और ऑडिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए बस ये सारी चीज़ें हैं एंड वी ओनली बिलीव इन एंटरटेनमेंट तो ये तो बात होगी लोगों के एंटरटेनमेंट की तो आप मुझे ये बताइए कि आप अपना एंटरटेनमेंट कैसे मेरे घर में जो छोटे छोटे मंचकिन्स हैं 9 ईयर्स के 7 ईयर्स के 2 बेटे हैं मेरे और वो मुझे टोटली एंटरटेन रखते हैं उसके बाद हिम्मत ही नहीं होती और एंटरटेनमेंट की
तो हमारे साथ हमारे कुछ और भाई जो हैं वो जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं क्या नाम है आपका सर। मेरा नाम प्रताप केसी है। प्रताप जी आप कहाँ से, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? मैं नेपाल से आया हूँ। ओके वेरी गुड, आप नेपाल से आए हुए हैं। तो आपका नाम सर, आप गर्लफ्रेंड का मैसेज है क्या? अच्छा ओके, तो मेरा नाम विशाल भंडारी, मैं भी नेपाल से हूँ। और नहीं नहीं मेरे को तो समझ आई। ओके क्या बोला आपने? विशाल भंडारी। विशाल भंडारी। ओके तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आप हमें ये बताइए कि अगर राम सीता है तो राम क्या है? राम सीता है तो राम राम ही है। राम राम है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन अगर राम सीता है तो राम क्या है? राम सीता है तो राम राम भी है, राम सीता भी है। ओके तो क्या नाम है आपका सर? हृदय पटेल। हृदय पटेल, ओके। तो कहाँ से आप? गुजरात से होंगे? गुजरात से, अहमदाबाद। आपको क्या चेंज लग रही है यहाँ पे, क्या लग रहा है? बेसिकली एटमोसफियर। ओके एंड एटमोसफियर इज चेंजिंग अराउंड हियर इन मेलबर्न बेसिकली। ओके एंड और मतलब अहमदाबाद और मेलबर्न सेम ही है? फूड आल्सो चेंजेस हियर, सो मे बी एंड रूल्स आर लाइक रेगुलेशन हियर। ओके ट्रैफिक दैट्स अ डिफरेंट ओवर देयर। Yeah. और गर्लफ्रेंड चेंज नहीं है? No, I don't have a girlfriend. ओके ये बड़ा मतलब अजीब सा आंसर दिया आपने मुझे कि गर्लफ्रेंड है नहीं है। ऐसा आंसर मेरे को मिला नहीं अभी तक वैसे कहीं से भी। Okay. अच्छा तो आप मुझे बताइए कि एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अगर राम सीता है तो राम क्या है? राम सीता है। अगर राम सीता है तो राम क्या है? राम ही है। राम है, लेकिन अगर राम सीता है तो राम क्या? सीता है। सीता तो है ही। Okay. एक बार ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से सोचिए, मेरे क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। अगर राम सीता है तो राम क्या है? ओ मशीन चला रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, सिंगिंग मशीन, वो दर्जी है, क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही आंसर। अभी हम बैठे हुए हैं अपने देसी भाइयों के बीच में, तो हम इनसे पूछेंगे कुछ सवाल। सबसे पहले हम पूछते हैं इनका नाम, क्या नाम है आपका? केतुल। केतुल, केतुन जी। और आपका नाम? महेश। महेश जी। भूपेंद्र। भूपेंद्र जी। संदीप। संदीप जी। तो हम आपसे एक टंग ट्विस्टर पूछना चाहते हैं, तो आपको बोलना होगा पीतल के पतीले में पीला पीला पपीता, पांच बार बोलना होगा आपको। पीतल के पपीले में पीला पीला पपीता हो पाएगा? पीतल के पतीले में पीला पीला पपीता, पीतल 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 के पीतल के पतीले में पीला पीला पपीता, पीतल के पेल में नहीं सर, पतीले में। पीतल के पतीले में पीला पीला पपीता, 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 पीतल के पतीले में पीला पीला पपीता। जी बहुत अच्छा किया फिर भी आपने। मदन मोहन और मालवीय मद्रास में मछलियां मारते मारते मर गए। मदन मोहन और मालवीय मद्रास में मछलियां मारते मारते मर गया। मदन मोहन और मालविया मद्रास में मछलियाँ, थोड़ा तेज बोलना सर। मदन मोहन मालविया मद्रास में मछलियाँ मारते मारते मर गए। मदन मोहन मालविया मद्रास में मछलियाँ मारते मारते मर गए। मदन मोहन मालविया मद्रास में मछलियाँ मारते मारते मर गए। मदन मोहन मालविया मद्रास में मछलियाँ मारते मारते मर गए। जी बहुत अच्छे। आज हमारे बीच हैं यहाँ पे मेलबर्न की जानी मानी शख्सियत इम्ताज़ खान। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके कुछ व्यूज़। सर क्या हाल चाल है? थैंक यू कुरीत भाई, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। और आपका, आप बताइए क्या चल रहा है आजकल? कुरीत भाई अभी तो इलेक्शन ख़त्म हो गए, तो आई थिंक जिस कारण बिट ऑफ रिलैक्सिंग बिट एन्जॉइंग दैट समर इज़ कमिंग अप, सो And that's the, but again, you know, as you know, the Windham City area, entire area, yeah. is quite been a good experience. Jo bhi election jo lately hua,
So that was a good experience, and very proud. We have seen these so many candidates run for that democracy. And I was from the day one encouraging people to run for it. But we never expected that many people is going to run for it. So in a way, it was quite unique experience when you have a lot of people running, especially from a Wyndham City Council. So that demonstrate, you know, people are interested in the local government, and in maybe that will may lead to the state government and federal government. Message dena chahenge Melbourne ki public ko, Indian community ko kuch kehna chahenge? मैसेज तो देखिए यही है कि अगर थोड़ा सा यूनाइट हो के जो है अगर मेहनत की जाए तो वी कैन अचीव द रिजल्ट्स. एंड आई सो दैट यू नो द लॉट ऑफ पीपल वर जस्ट पुटिंग अप अ हैंड अ कपल ऑफ डेज बिफोर दैट डिडंट वर्क बट देर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट हु डन लॉट ऑफ वर्क एंड दैट हैव रिजल्टेड इन क्वाइट सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोट्स. बट आई थिंक इफ यू वांट टू बी a local government politician, or state government politician, or federal, it's a very serious affair. You need to at least have 1 year or 6 months kind of bit of a preparation to give a best shot. इसके साथ हम एक funny topic के साथ जुड़ते हैं. The funny part of is, in my life, if you say something, yeah. When I was first time when coming from New Delhi to, you know, Sydney, yeah. Sydney. So I was sitting next to the one girl, I can't remember her name. She was an Australian. And we have a chat and we're coming. And we're just discussing about the culture and how the country works and jobs and things like that. After 3 years, she bumped me on a town hall station. Okay. And she said, hey, you remember me? And I said, no. I say, we came in same plane. I said, that's yes. So say, and then I realized that actually she was drinking and I was never drink. So kind of like, my God, that kind of surprise. You never ever expect someone you met. And she was having the great, strong memory. She said she used to live in Redfern. So that kind of bit of like a shock in my life. I never ever kind of forget someone you met on airplane in air. And after 3 years, you can pump into the, you know, train station in a town hall, and the person will remember you, and you don't remember. तो दोस्तों अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, और हम आपको जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में. और तब तक के लिए आपसे लेते हैं हम विदा. और एक बात कहनी मैं भूल गया आपको, हमारा जो चैनल है उसको अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं धमकी नहीं दे रहा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल हेलो ऑस्ट्रेलिया टीवी. थैंक यू सो मच. और मैं आपको बता दूं कि मुझे फ़्लाइट भी पकड़नी है क्योंकि मुझे इंडिया जाना है भाई. 500 का नोट है मेरे पास, वो चेंज कराना है, तो इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा. ओके, बाय बाय, और सबको सैल्यूट, और हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू. हेलो ऑस्ट्रेलिया टीवी रॉक्स. 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 हेलो ऑस्ट्रेलिया रॉक्स. ऑस्ट्रेलिया टीवी रॉक्स. हां जी भाई, हेलो ऑस्ट्रेलिया रॉक्स. हेलो ऑस्ट्रेलिया टीवी रॉक्स.